तो ये जो तुम लोगों ने टाइटल पढ़ा, इस टाइप की वीडियोस मेरे ऊपर आज से एक साल पहले से बन रही है, जब मैंने पेड प्रमोशन करने स्टार्ट किए थे चैट्स के स्क्रीनशॉट दिखा के, ऐसी बातें बोल के कि मैं पैसे लेता हूँ प्रमोशन के, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार एक फाइनल वीडियो बना के ना वन टाइम ही सारा चीज़ क्लियर कर देता हूँ बिना किसी का नाम लिए, जिससे एटलीस्ट मेरी तरफ से कोई उनको गाली देने के लिए ना जाए। और क्या हालचाल, क्या बोलते हैं सुनने वाली पब्लिक, दिस इज तरुण फ्रॉम इंदौर। एंड ये इंट्रो बोलना जरूरी है क्योंकि हैबिट हो चुकी है। एंड बिफोर हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा अफेक भैया को, हिट ह्यूमन को, प्रोफेशनल मैग्नेट को, बिग स्क्रैच को, आरटीवी प्रोडक्शन भैया को एंड सिड को फॉर बींग देयर फॉर मी एंड मेकिंग मी फील इम्पॉर्टेंट कि हाँ इस कम्युनिटी में मैं हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ वाले आपका साथ देते हैं, ना कि दूसरों की तरह कि आपके ऊपर कोई चीज़ चल रही है तो उसी के ऊपर वीडियो बना के रिएक्ट करके और गंद फैलाना। आई एम श्योर आप लोग समझ गए रहेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो सारे टॉपिक पर हम लोग बाद में आएंगे, पहले मैं आप लोग को जो मैंने टाइटल में लिखा है उसका मैं एक ब्रीफिंग दे देता हूँ। आप लोग को लगता है कि मैं एमी वे बंटाई को हेट करता हूँ, तो मैं एकदम क्लियर शब्दों में कह देता हूँ, मैं एमी वे बंटाई को 1% भी हेट नहीं करता हूं। आप लोग को लगता है मैं एमसी स्टैन को या फिर आपके फेवरेट आर्टिस्ट को हेट करता हूं, तो ये भी क्लियर कर देता हूं कि मैं 1% भी आपके किसी भी फेवरेट आर्टिस्ट को ना हेट करता हूं, ना उनकी तरफ बायस्ड हूं ना अनबायस्ड हूं। नाउ ये चीज मैं एक्सप्लेन करूं, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेड प्रमोशन के बारे में। नाउ आप लोग ने वीडियो देखी रहेगी मेरे ऊपर बहुत सारी बनी है कि मैं सामने से पैसे मांगता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं। एक अंकल है या भैया, मुझे पता नहीं, शक्ल से अंकल जैसे लग रहे थे। और हाँ, इससे रिलेटेड भी मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो एक बॉडी डिफेमिंग के ऊपर जो होता है, बॉडी शेमिंग के ऊपर होता है, उस चीज से रिलेटेड। पहले हम लोग पेड प्रमोशन का खत्म करते हैं। तो एक भाई साहब ने एक और नए वो जिस बंदे ने मेरे ऊपर रिएक्ट किया उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहा कि वो मेरे पास आया प्रमोशन के लिए एंड मैंने रिएक्शन वीडियो का 20,000 बोला। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, क्या मैं पेड प्रमोशन करता हूँ? हाँ, मैं हक से पेड प्रमोशन करता हूँ। अब ये मेरा चैनल है, मैं इस पे 2,000 लूँ, 20,000 लूँ, 2,00,000 लूँ, 20,00,000 लूँ, 2 करोड़ लूँ, मेरी मर्जी है, वो मेरी प्राइस लिस्ट है, मेरे को जितना मांगने का रहेगा मैं मांगूंगा। क्या मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मैं उनके पास सामने से गया किसी के भी पास कि आप प्रमोशन करवाओ? बिल्कुल नहीं। ये मैं रेट लिस्ट किनको भेजता हूँ? ये रेट लिस्ट सिर्फ उनको जाती है कि सपोज आप मेरे से प्रमोशन करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपका गाना अलग से फीचर करूँ या रिएक्शन करूँ, तो आप मेरे पास आएंगे। अब मैं उसके लिए मैं आपको रेट लिस्ट दूंगा। अब ये लोग क्या करते हैं कि उन्होंने जो मैसेज भेजे रहते हैं ना उसको अनसेंड कर देते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेते हैं अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करके, अगर उनके पास नया वाला फोन होगा तो, एंड उसके बाद उस चीज़ का वीडियो बना के मेरे ऊपर वीडियो बना देते हैं। और ऑडियंस को इतना मज़ा आता है ना कि मेरे जो सामने सामने साथ देने वाले लोग हैं ना वो भी वहाँ जाके कमेंट करते हैं, क्योंकि मेरे को अपने रेगुलर व्यूअर और कमेंट जो करते हैं उनका नाम वगैरह याद रहता है। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखो पेड प्रमोशन करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके जेब में पैसा है तो आप गूगल एडवर्ड्स लगाइए, अगर आपके जेब में पैसा है तो हम जो रिएक्शन कम्युनिटी, आप हमसे भी पेड प्रमोशन करवा सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सब अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं। मैं भी सीधी बात है, मैं पैसे कमाने के लिए बिल्कुल काम करता हूँ, हक से काम करता हूँ। आज से 2 साल पहले मुश्किल से 500 रुपये मेरे को बहुत बड़ी बात लगती थी कि भाई 500 रुपये हो किसी के जेब में, तो लगता था भाई वो 500 रुपये लेके घूम रहा है। मैं स्कूटी पे जाता था, कोई मेरे को ड्यूक या KTM दिखती थी तो मेरे को लगता था भाई यार काश ऐसी ज़िंदगी होती, ऐसी बाइक होती। आज मेरे पास एक बढ़िया एडिफाइस की कैश्यू है, मेरे पास अच्छे खासे कपड़े, मेरे पास MT15 है, मेरे पास चेन है, मेरे पास क्या नहीं है, लैपटॉप है, सब मैंने लिया ना खुद से। कैसे लिया? मैंने मेहनत करके, काम करके लिया है। 2 साल पहले जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो तुम लोगों में से किसी ने मेरा पेट भरा, तुम लोगों में से किसी ने मेरे लिए फ्री में खाना लेके आया, कोई मेरे को कपड़े दे के गया, कुछ किया तुम लोगों ने? नहीं किया ना, सीधी सी बात है ना। तो जब आप सामने से आओगे कि मैं आपका काम करूं तो मैं क्यों फ्री में करूंगा, क्यों फ्री में करूंगा? अब जहां तक फ्री में काम करने की बात आती है, अब ये भी एक्सप्लेन करता हूं। आई एम श्योर अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं या हिट ह्यूमन को फॉलो करते हैं, आपको अंडरडॉग वॉइस के बारे में ज़रूर पता रहेगा। अंडरडॉग वॉइस में लेखक, गौश म्यूज़िक, उजेर मंसूरी एंड और 2-3 आर्टिस्ट हैं जिनको हमने वेलोसिटी, ऐसे 2-3 आर्टिस्ट हैं जिनको हमने फ्री में उसमें फीचर किया, उनको 20-30,000 व्यूज़ फ्री में कम्युनिटी पे शेयर कर करके बिना एक भी पैसे लिए। अंडरडॉग वॉइस में से एक भी बंदे अगर आपको आके कह दे कि हमने उनसे एक भी रुपए लिया हो या पैसे की बात तक की हो ना, मैं कसम से कह रहा हूँ मैं चैनल बंद कर दूंगा, बस प्रूफ ला के दे दो कि ऐसा हुआ है। सीधी बात बोल रहा हूँ मैं, दावे के साथ कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में काम नहीं करता, मैंने फ्री में बहुत आर्टिस्ट को सपोर्ट किया है। रफ्तार भाई के पास गाना भेजा है, कृष्णा भाई के पास, किंग के पास मैंने पर्सनली गाने भेजे, उनके टाइप के जो बनाते हैं लोग, जिससे उनको उनके थ्रू पुश मिले, क्योंकि उनकी ऑडियंस हमसे 10 टाइम ज़्यादा है।
तो फ्री वाला जो काम है ना वो मैं मन से करता हूँ, सामने से कोई आता है तो मैं नहीं करता हूँ। अगर आपका मैंने काम खुद से देखा है, मुझे करना रहेगा, मैं कर दूंगा। पर अगर आप अपना काम लेके सामने से आएंगे ना, आप फिर स्टोरीज डालेंगे या फिर ऐसा वीडियो बनाएंगे कि 5 फिगर चार्ज करते हैं, 5 फिगर को मारो गोली, आज से आने वाले साल में मैं 6 फिगर चार्ज करूंगा, क्या करना है तुमको? अगर कर सकते हो अफोर्ड करवाओ, नहीं कर सकते मत करवाओ, सिंपल बात, हसल करो, सीधी बात है। इसमें रोना धोना एंड वीडियो बनाना कि यार ये पेड प्रमोशन करता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, इसको ये फीस भरनी होगी, इसको ये चीज़ लेनी रहेगी, हक से लेनी है भाई, हक से भरनी है, अपना कमा रहे, अपना उड़ा रहे, अपनी ज़िंदगी जी रहे, सीधी बात है। तो ये हो गई पेड प्रमोशन की बात। तो ये पेड प्रमोशन वाली चीज़ को ना गलत वे में जो लोग दिखाते हैं ना कि हम लोग ज़बरदस्ती पैसा लूटते या पैसा लेके काम नहीं करते, देखो यार पुलिस नाम की चीज़ है, FIR नाम की चीज़ है, सीधे करवाओ, उसके बाद मैं भी देख लूँगा कैसे क्या करने का, सीधी बात है, वीडियो में बोल रहा हूँ यूट्यूब पे। अब सेकेंड चीज़ पे आते हैं कि आर्टिस्ट को हेट हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ MC Stan। MC Stan का जो लेटेस्ट ट्रैक आया स्नेक, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, अभी भी बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नाउ तड़ी पार जो आया था उसमें मैंने सारे गाने पे रिएक्ट किया, वो वाला रिएक्शन भूल जाते हो क्या? उसमें जितने गाने थे सब पे मैंने भर भर के तारीफ करी है, क्योंकि उसमें मेरे को गाने बहुत पसंद आए। तो सीधी बात है, जो गाना मेरे को पसंद आता है मैं कहता हूँ मेरे को बहुत पसंद आया, जो गाना मेरे को नहीं पसंद आता है मैं कह देता हूँ मेरे को नहीं पसंद आया। अब इसमें मेरी कहाँ गलती है? मेरी गलती यहाँ पे ये है कि मैं कभी कभी रूट साउंड करता हूँ, ये मैं खुद मानता हूँ। मुझे कुछ चीज़ें हल्की सी लियाज, हल्की से तरीके से बोलना चाहिए, वो मैं खुद मानता हूँ, उसके लिए आई अपोलोजाइज कि चलो ठीक है, वो आप लोग की बात सही है। इस पर मैं कोई भी ईगो या फिर कोई भी एटीट्यूड दिखा के नहीं कहूँगा कि वो मेरी मर्ज़ी है, वो मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी, यहाँ पे मुझे थोड़ा संभाल के बोलना चाहिए। बट अगर मुझे गाना नहीं पसंद आया तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं फिर से नहीं सुनूंगा गाना। आपको पसंद आया आप 100 बार सुनिए। अब मुझे गाना नहीं पसंद आया तो इसमें मेरे जो साथ रहने वाले लोग हैं उनकी क्या गलती है, मेरे को तो पहले ये कॉमेंट सेक्शन में बताओ। तुम लोग कहते हो मैं हेट देता हूँ आर्टिस्ट को, मैं MEVA के माँ बाप को गाली दे रहा हूँ क्या? मैं MEVA के होमीज के माँ बाप को गाली दे रहा हूँ? मैं MC Stan के माँ बाप को गाली दे रहा हूँ? मैं किसी को भी, मैं उनको भी गाली दे रहा हूँ? नहीं दे रहा हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग मेरे को दे रहे हो, मेरे माँ बाप को दे रहे हो, सबको दे रहे हो। हालांकि कुछ हद तक फ़र्क पड़ता है, उसके बाद मेरे को भी फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है क्योंकि अब आदत हो गई है। बट सीधी बात है ना कि हेट इसको कहते हैं, हेट इसको नहीं कहते कि मुझे वीडियो नहीं पसंद आया तो इसको हेट नहीं कहते मेरे भाई, इसको सिंपल बात है क्रिटिसिज्म कहते हैं कि मुझे नहीं पसंद आया, इसमें ये अच्छा हो सकता है। ठीक है, अगर तुम लोग को लगता है मैं MEVA को हेट करता हूँ तो मैं सीधी बात बता देता हूँ, जब मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हुए थे तो सबसे पहला वीडियो मैंने MEVA के ऊपर ही डाला था कि MEVA बनता है से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। मैंने वीडियो में बोला भी था कि सबसे पहला रिएक्शन मैंने MEVA पे किया था, 50,000 हुआ, मैं MEVA पे कर रहा हूँ, जब मेरे 1,00,000 होंगे तब भी मैं ट्राई करूँगा कि MEVA से रिलेटेड ही मैं कुछ अच्छा करूँ। सीधी बात है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मैं कभी मना नहीं करता इस चीज़ को, लेकिन जो अंधभक्त हैं, जो टॉक्सिक फैंस हैं, जो हर चीज़ को गलत वे में लेके ये वो कहते हैं, वो करना बंद कर दो। अब रिएक्शन टाइम पे तुम लोग गाना सुन के रखते हो 100 बारी, तुम लोग उस चीज़ को कड़ी से कड़ी मिला लेते हो। अब मैं बैठता हूँ ऑन द स्पॉट, अब ऑन द स्पॉट मैं पहली बार सुनता हूँ, अब पहली बार में कौन बुमराह, कौन युवराज, कौन छक्का, कौन चौका, ये मेरे को कभी कभी समझ आता है, नहीं समझ में आता है। अब तुम लोग ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं बैठे बैठे ऑन द स्पॉट ये याद रखूं कि कृष्णा ने फ्री वर्स फीस लंगर में या अपने जो भी गाना निकाला था उसमें बुमराह बोला था खुद को, उसका हलाक ने जवाब दिया है, बताओ मैं कैसे बताऊंगा ये? अब मेरे लिए तो उस टाइम पे वो सेंस नहीं बना रहा ना, मेरे लिए तो उस टाइम सेंस नहीं बना रहा था, मैंने बता दिया। अब तुम लोग का क्या काम है? अगर वो सेंस बना रहा है तो तुम्हें कमेंट करना चाहिए, ऐसा ऐसा है, ये रेफरेंस आपने गलत पकड़ा है, इस चीज़ का ध्यान रखो, ना कि ये कि DM में आके गाली बख रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, कुछ भी मतलब मन बत्ती अपना काम वाम कर रहे हो, ये ना वो। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है कि देखो यार, तुम लोग कहते हो कि तुम्हें हमारे ओपिनियन से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर तुम्हें हमारे ओपिनियन से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है तो भाई वीडियो ही क्यों देख रहे हो? अगर तुम लोग चाहते हो कि यार हम लोग सिर्फ अच्छा अच्छा बोले, हम लोग सिर्फ तारीफ करें, ऐसे हंसते रहे, सब चीज़ को अच्छा बोले, तो दो रिएक्शन चैनल है, नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, देखो उनका वीडियो, बिंदास देखो उनका वीडियो, बेचारों के ना सब्स बढ़ रहे ना व्यूज़ अब इतने डाउन हो गए, उनको सपोर्ट करो अगर तुम्हें यही देखना है तो, दो रिएक्शन चैनल है, मस्त देखते रहो उनको, सब चीज़ में अच्छा अच्छा बोलते हैं वो, सब चीज़ में खुश हो जाते हैं, देखते रहो, स्टैन है वो लोग, सिंपल बात है। अब स्टैन मतलब MC Stan नहीं, स्टैन मतलब बहुत पागल वाला फ़ैन, तो इतने गवार भरे पड़े उसमें भी कॉमेंट में गाली लिखने लगोगे। तो मेरे को ना ये कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी, ठीक है? एंड
मुझे अपनी गलतियों का एहसास ना कभी कभी होता है, लेकिन वो पूरी चीज़ हट जाती है जब तुम लोग गाली दे देते हो। फिर मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इसके बारे में ऐसा बोला या उसके बारे में रूड वे में बोला। इस चीज़ का मेरे को 1% फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं फिर से बोलूँगा, मैं 10 बार बोलूँगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग खुद ऐसे हो। हल्की सी टॉक्सिसिटी कम करो, चीज़ों को समझो। पेड प्रमोशन का इस चीज़ से क्या लेना देना कि मेरे को एमिवे का गाना नहीं पसंद आया या एमसी स्टैन का या रफ्तार या कृष्णा का गाना नहीं पसंद आया, ये बताओ मेरे को। पेड प्रमोशन का क्या लेना देना है उस चीज़ से? मतलब वो जो बंदा मेरे ऊपर रिएक्ट कर रहा था, कहता तू पेड प्रमोशन ही कर। भाई मैं कर रहा हूँ भाई, मैं तो चीज़ें बता भी नहीं रहा हूँ, वरना मैं बहुत रूड वे में तेरे को भी जवाब दे सकता हूँ यार। जितने की घड़ी पहनता हूँ ना मैं, उतनी तेरी मंथली सैलरी नहीं होगी तू जहाँ पे काम कर रहा है मेरे भाई, समझ रहा है? जितना तेरे बैंक अकाउंट में नहीं है ना, उतनी मैंने चीज़ें खरीद के रखी है, समझ इस बात को भाई। अगर मैं ये चीज़ें नहीं बोलता हूँ ना, तो ऐसे ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं करने का, ठीक है? फ्लेक्स करने को, बड़ी बड़ी बातें करने को ना सब कर लेते हैं। मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, करके भी दिखाता हूँ, करके दिखा भी रहा हूँ, चीज़ें पड़ी भी है मेरे पास, ठीक है? तो ये चीज़ को थोड़ा समझो, हम्बल बनो, डाउन टू अर्थ रहो। एक ही अगर कम्युनिटी के हो सब, तो चीज़ों को समझो, ठीक है? और जो 2-3 छोटे मोटे रिएक्शन चैनल है जो मेरे ऊपर और ये वीडियो बना रहे हैं कि मेरे कंटेंट में मज़े नहीं आते, ये नहीं आते, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। एक बंदा बता दो, मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, एक बंदा बता दो रिएक्शन कम्युनिटी में से जिसने मेरी तरह इतने सारे वास्ट अलग अलग कॉन्टेंट डाले हो, एक बता दो। चलो मैं बता देता हूँ, अ फेक हिट ह्यूमन, ये 2 जने हैं, ठीक है? साहिल का एक सेकेंड चैनल है मैग्नेट टीवी, वो उस पर कर रहा है इस, और RTV प्रोडक्शन भी चैलेंजेस वगैरह करता है। ये जो मेन चैनल्स हैं, मैं, अफेक, हिट ह्यूमन, RTV, मैग्नेट, स्क्रैच, सिड, हम लोग जो लिटरली एक दूसरे का साथ दे के चलते हैं, हम लोग को छोड़ के बता दो रिएक्शन चैनल में कौन क्या अलग से काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैं रैपर्स वर्सेस सीरीज डालता हूँ, मैं चैलेंजेस डालता हूँ, मैं हिप हॉप से रिलेटेड गेस्ट वाले डालता हूँ, मैं ऐसे फन कॉन्टेंट डालता हूँ, मैं बहुत कुछ डालता हूँ। मेरा चैनल कभी शांति से बैठ के प्लेलिस्ट में चेक करना, सब कुछ मिलेगा, व्लॉग्स, कॉमेडी, रोज सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ट्राई किया। मेरे को पता है मैं कितनी मेहनत से कितना क्या काम किया है, कि अगर मैं कुछ पैसे मांग रहा हूँ तो हक से मांग रहा हूँ, ठीक है? और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो, कह दो नहीं कर सकते, बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। अब इसके लिए वीडियो बनाना कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरे से इतना पैसा मांग रहा है, वो ऐसे सपोर्ट कर रहा है, अरे भाई तेरा काम अगर गौश जितना अच्छा रहेगा ना, अगर तू गौश के लेवल का रहेगा भाई, मैं फ्री में करूँगा। ऑथेन के लेवल का रहेगा, मैं फ्री में करूँगा। लेवल तो बनाओ। प्रिंस, पैराडॉक्स, ये सारे से पूछना, ध्रुव, ये ध्रुव स्थितिक, ये लोग से पूछ कभी मैंने इनसे पैसे लिए हो तो एक भी बार, या पैसों की बात भी करी हो तो। वैसा लेवल बनाओ ना, या तो वैसा लेवल बनाओ या तो अपने जेब का लेवल बढ़ाओ, 2 चीज़ें हैं। अगर दोनों नहीं करना है तो 3rd चीज़ वही जो कर रहे हो, वीडियो बनाओ मेरे ऊपर, और कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? मैंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया, उड़ता तीर है, जिसको अपने बम्बू में लेना है ले लो, सिंपल बात है। मुझे पता है इसके बाद तुम्हें 10 वीडियो बनानी है, बनाओ। मेरे को एक ही वीडियो में सब क्लियर करना था, सब कुछ क्लियर करना था। पेड प्रमोशन करता हूँ, करता हूँ मैं, सामने से जाता हूँ कि सामने से नहीं जाता, मेरे को ज़रूरत नहीं है अब सामने से जाने की। सामने से लोग आते हैं, वो खुश भी है मेरी सर्विस से, पैसे देते हैं, उनका काम भी अच्छे से होता है, उनको व्यूज़ भी आते हैं, और उनको कस्टमर भी, मतलब प्रॉपर मिल रहा है, अच्छा है, उनका अच्छा काम चल रहा है मेरी वजह से, ठीक है? अगर वो प्रमोट करवा रहे तो, ऐसा नहीं पैसे खा के बस बैठ जाता हूँ मैं। क्या मैं आपके फेवरेट आर्टिस्ट को हेट करता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं करता हूँ। उल्टा मैंने बहुत बार इतनी तारीफें करी है, मतलब यार खुद सोचो ना यार, 10 वीडियो में तारीफ कर रहा हूँ, 1 वीडियो नहीं पसंद आई तो उस पर तुम लोग 10 वीडियो भूल जाते हो। वो कहते हैं ना, 100 नेक काम करो, 1 गलत काम करने पे तुम जो अच्छे काम है उसको भूल जाते हो। हालांकि मैं ये वीडियो भी नहीं बनाने वाला था, बट थैंक्स टू अफेक एंड जो भी मेरे सारे रिएक्शन कम्युनिटी में है, जिनका मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया था, कि उन्होंने कहा ज़रूरी है यार, क्योंकि हम लोग भी कब तक चुप बैठेंगे यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो मेरे को पसंद नहीं करते वो अनसब्सक्राइब करके उनको सब्सक्राइब कर लेंगे। कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब 100 के होने रहेंगे होने हो जाएंगे यार, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता भाई, अपन एकदम चिल है, मस्त अपना काम कर रहे हैं, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं है वैसे लोगों से। तुम भी अपना काम करो, खुश रहो, पेट भरो अपना, और हल्की सी लॉजिक वाली बात किया करो, हल्की सी लॉजिक वाली बात किया करो, वरना जैसे तुम्हारे साइड से बंदे आते गाली देने के लिए, तो तुम्हें पता ही रहेगा कि मेरे पास तुमसे 10 टाइम्स ज़्यादा बंदे हैं, है ना? प्लस मीम पेजेस और जो बड़े बड़े हिप हॉप पेजेस हैं उनसे भी मेरी अच्छी बनती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारा स्क्रीनशॉट भेज के वायरल करके तुम्हारा चैनल को एकदम तहस महस और तुम्हारी इज्जत की धजियाँ उड़ाने में। तो शांत रहो थोड़ा।
ठंडी से काम करो, मैं भी ठंडी से काम कर रहा हूँ, ये मेरा लास्ट वीडियो है, इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। अलग अलग टाइप के एमी वे पे रिएक्शन, एमसी स्टैन सब पे अच्छे अच्छे रिएक्शन भी आएंगे, जो गाना मेरे को अच्छा लगेगा मैं भर के तारीफ करूँगा, जो मेरे को हल्का सा लो लगेगा मैं उसे इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे वीडियो में एंड करता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड एंड में जाते जाते वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेक्सी बेबी।